जोशीमठ में जमीन धंसने का मामला है। राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय से अपील की है एनडीएमए की फाइनल रिपोर्ट जल्द मुहैया कराने की यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है। एनडीएमए की रिपोर्ट मिलने पर कोई फैसला राज्य सरकार लेगी और ऐसे में सात में से आठ एजेंसियों की रिपोर्ट कंपाइल नहीं हो पाई है। कुछ एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट जो कि प्राथमिक रिपोर्ट सौंपनी थी वो अभी तक नहीं सौंपी है। ऐसे में जोशीमठ में अलग अलग 8 केंद्रीय एजेंसियों ने अध्ययन किया था। गुरुवार को भी जोशीमठ में दरार की जानकारी मिली है, दरारें बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक जो प्राथमिक रिपोर्ट थी वो नहीं सौंपी गई है। तो 7 महीने से 8 एजेंसियां थी जिनकी रिपोर्ट अभी तक कंपाइल नहीं हो पाई है। ऐसे में देरी हो रही है, फैसला राज्य सरकार नहीं ले पा रही है। एनडीएमए की रिपोर्ट मिलने पर ही कोई फैसला राज्य सरकार ले। तो जोशीमठ में क्या कुछ हुआ था वो भी आपको बता दें। जोशीमठ के 9 वार्ड के 868 मकानों में दरारी पड़ी थी। 4 वार्ड के 181 भवनों को असुरक्षित जोन में रखा गया था। जनवरी 2023 में घरों में दरारें चौड़ी होने लगी थी। जनवरी में 268 परिवारों को सुरक्षित भवनों में शिफ्ट किया गया था। घरों से निकालकर होटलों, स्कूलों और दूसरे भवनों में इनको शिफ्ट किया गया था। जोशीमठ में 132 परिवार के 502 सदस्य राहत शिविरों में भेजे गए थे। 164 परिवार के 493 सदस्य रिश्तेदार या किराए पर रहने वाले वहां से चले गए थे। पुनर्वास पैकेज के तहत 53 प्रभावित परिवारों को तकरीबन 15 करोड़ रुपए मुआवजा भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो एनडीएमए की रिपोर्ट है उसमें देरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते अभी राज्य सरकार के फैसले को देरी होती जा रही है। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, उनसे और जानकारी लेंगे। विनोद, ये रिपोर्ट सौंपने में इतनी देरी क्यों देखी जा रही है? विनोद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए विनोद के पास वापस लौटेंगे। तो जोशीमठ को लेकर जो फैसला राज्य सरकार को देना है उसमें लगातार देरी देखने को मिल रही है, क्योंकि एनडीएमए की रिपोर्ट अभी तक राज्य सरकार को नहीं सौंपी गई है। 7 महीने का अध्ययन 8 एजेंसियों ने किया था, लेकिन उसके बावजूद यहां पर रिपोर्ट जो प्राथमिक रिपोर्ट थी वो नहीं सौंपी गई है। विनोद, वापस लौटेंगे आपके पास। रिपोर्ट सौंपने में देरी क्यों देखी जा रही है? आप सुन पा रहे हैं विनोद मुझे? जी। तो विनोद, ये जो रिपोर्ट है, जो एनडीएमए की रिपोर्ट है जिसके ऊपर राज्य सरकार फैसला लेने वाली है, इसको सौंपने में इतनी देरी क्यों बरती जा रही है, क्योंकि ये गंभीर मामला है जोशीमठ का? बिल्कुल हर्षा, देखिए अब राज्य सरकार ने एमएचए से ये रिक्वेस्ट की गई है कि जो जोशीमठ भू धसाव को लेकर 8 एजेंसियां अध्ययन कर रही थी उनकी जल्द से जल्द रिपोर्ट राज्य सरकार को मिले, और ताकि उसके बाद में जो आपदा प्रभावित परिवार हैं जिनको बसाने की कोशिश राज्य सरकार की होगी उसको लेकर क्या राज्य सरकार डिसीजन ले, क्योंकि अभी तक रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं मिली है और राज्य सरकार भी कोई डिसीजन अभी तक नहीं ले पा रही है, क्योंकि अब 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने से करीब वो 8 एजेंसी अपने अध्ययन में लगी हुई है और बड़ी लेट लतीफी उन रिपोर्ट्स में हो रही है, और कुछ रिपोर्ट्स में तो अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार जोशीमठ का कौन सा क्षेत्र सेफ है, कौन सा क्षेत्र अनसेफ है। तमाम अध्ययन 8 एजेंसी कर रही है, जिसके चलते अब धामी सरकार ने एमएचए से ये रिक्वेस्ट की है कि आखिरकार राज्य सरकार को जल्द से जल्द जो रिपोर्ट 8 एजेंसियों की है उपलब्ध कराई जाए, ताकि कोई राज्य सरकार डिसीजन ले। 7 महीने का समय हो गया है, 8 एजेंसियां अध्ययन कर रही हैं, जिसमें वाड़िया इंस्टीट्यूट है, IIT रुड़की है, जियोफिजिकल हैदराबाद इंस्टीट्यूट है, और उसके अलावा नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ है। तमाम ये ऐसे संस्थान हैं जो अलग अलग अपने अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कंपाइल रिपोर्ट नहीं बन पाई है। तमाम रिपोर्ट में बड़ी लेट लतीफियाँ देखने को मिल रही है, और 7 महीने का समय जोशीमठ के भू धसाव को लेकर जो 8 एजेंसी अध्ययन कर रही है उसको हो गया है, लेकिन कल की ही घटना है। कल जोशीमठ के सिंहधार इलाके में फिर से जमीनों में दरार देखने को मिली है, जिसके चलते तमाम लोगों में दहशत का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन अभी जिस तरह से 8 एजेंसियाँ काम कर रही है उसको लेकर अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि जल्द रिपोर्ट अपनी राज्य सरकार को वो सौंपे, लेकिन कुछ एजेंसियों की रिपोर्ट में अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया है। लतीफी देखी जा रही है, उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दरारें हम देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।